क्या आपको पता है, रफ्तार अगर चाहते तो एमीवे बंटाई का करियर खत्म कर देते। मतलब अगर रफ्तार चाहते तो एमीवे बंटाई का यूट्यूब चैनल डिलीट करवा सकते थे, क्योंकि रफ्तार के पास राइट था और उस टाइम पर एमीवे बंटाई के सब्सक्राइबर तूफान की स्पीड से बढ़ रहे थे, क्योंकि डिस ट्रैक्स के बाद सबके बढ़ते हैं। और उस टाइम पर अगर रफ्तार डिलीट करवा देते चैनल तो एमीवे को बहुत बड़ा झटका लग सकता था, क्योंकि उस टाइम पर एमीवे सिर्फ यूट्यूब पर थे और कोई प्लेटफॉर्म पर नहीं थे। और जब नया नया चैनल ग्रो होता है और अर्निंग आने लगती है, उस टाइम पर अगर चैनल डिलीट होता है तो बहुत सदमा लग सकता था एमीवे बंटाई को, और जो एमीवे की ग्राइंड स्ट्रगल हसल चल रही थी वो भी स्टॉप हो जाती। और शायद आज के दौर में हमें एमीवे बंटाई जैसा रैपर देखने को नहीं मिलता, एमीवे बस अंडरग्राउंड की तरह रह जाते। तो जान लेते हैं रफ्तार का राइट क्या था। सबसे बड़ी चोट, मैंने तेरे सिर्फ एक क्लिप यूज किया अपने एनिमे हेंटाई में, तेरी वीडियोस का तू मेरे को एक स्ट्राइक मार सकता है। तेरे चैनल पे मेरा हैशटैग सड़क वाला पड़ा है जिसके अंदर मेरी वीडियो है, तेरे पास पेपर वर्क नहीं है। तूने वो जो स्टेज पे परफॉर्म करने वाली वीडियो डाली है उसकी पेपर वर्क तेरे पास नहीं है, दैट इज माय प्रॉपर्टी। थर्ड, तूने कृष्णा के साथ गाना करके डाला है, दैट इज माय प्रॉपर्टी बिकॉज कृष्णा इज माय आर्टिस्ट। मैं वो तीनों पे स्ट्राइक मारता, तू मेरे को वापस उस स्ट्राइक को चैलेंज करता, हम पेपर वर्क मांगते कोर्ट में, चैनल बंद।